बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इस कदर नीच हरकत कोई दुकान पर आकर कर सकता है? एक नौजवान दुकानदार के सामने इस खातून ने क्या हरकत की जो कि सर से पाँव तक इस्लामी लिबास में मलबूस थी। आप इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखिएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो ज़रा मुलाहिज़ा करें शुरू से इस वीडियो को, जहाँ पर आपको ये नज़र आ रही हूँ कि एक जगह पर बैठे हुए दुकानदार इनको कपड़े खोलकर दिखाता है, उसके बाद बाकी कपड़ों के थान उतारने की कोशिश में लग जाता है। इसी दौरान ये इनके लिए मुख्तलिफ कपड़ों की वैरायटी उतारता है। ये हर एक को उठाकर देखती हैं। दुकानदार इनकी तरफ भी मुतवज्जह होता है और कपड़े भी उतार रहा होता है। ये खातून उन्हीं कपड़ों को देखते देखते अपने इसी बुरके का इस्तेमाल करती हैं और एक कपड़ों का थान वहाँ से गुम कर देती हैं। उसके बाद दुकानदार को तो फील ही नहीं होता, ये मज़ीद कपड़ों की डिमांड करती हैं और कहती हैं कि दिखाते जाएं। और वो इन्हें दिखाता है और ये दूसरे कपड़े की मदद से जो इन्होंने थान उठाया है उसे वहाँ से गायब कर देती हैं। यूँ बुरके वालियों पर भी दुकानदारों को यकीन करना अब डरावना महसूस होता है। अब पर्दे वालियाँ बुरी नहीं हैं, किसी बुरी ने पर्दा कर लिया है। ऐसे लोग अपने जुर्म को छुपाने के लिए पर्दे का इस्तेमाल करते हैं और इस सब चीज़ से उन्हें चोरी चकारी में या बुराइयां करने में आसानी हो जाती है। आप आज की इस वीडियो के मुताबिक क्या कहते हैं ऐसे लोगों से? अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें।